यहाँ पे क्या बोलना है सर? इधर आइए राजी, राजी सर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है जितना भी आया है, एंड ट्रेलर ट्रेंडिंग में है, तो आप बताइए कि क्या फीचर है? बहुत अच्छा रहा, द जर्नी हैज़ बीन नाइस। ये फिल्म करते हुए बहुत अच्छा लगा, द डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, अपने करण कपाड़िया ही इज़ वेरी गुड, एंड बस यही उम्मीद रखते हैं कि लोगों को पसंद आए जैसे हमारा ट्रेलर पसंद आया। उससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर का गला घोट दूँ। नहीं, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ तम सर, तो नहीं हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सनी सर ने बहुत सपोर्ट किया हमें, हमारी फिल्म इजी बनी, और आप फिल्म देखिए, फिल्म देखिए मज़ा आएगा। मैं क्या बोलूँ, सर सर खड़े हैं सामने। आई थिंक इट्स जैसा इट्स गोइंग अलॉन्ग विद द ट्रेंड, जैसी चीज़ें जैसा देश चल रहा है, जैसी चीज़ें बदल रही हैं, द वे द यंगस्टर्स आर कमिंग अप, हाउ दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। डेफिनेटली अच्छा सिनेमा हो रहा है, वेरी नाइस। सर इन दिनों हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे नए एक्टर आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा भी कर रहे हैं, तो आप अगर किसी से इंस्पायर्ड हैं आप लोग सवाल अच्छे पूछा करिए। आप लोगों के सवाल में कुछ होता नहीं तो मेरे को समझ में सोचने लग जाता हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ, यू नो, फिर जवाब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। बस यही कहूँगा कि ये हमारी फिल्म है, 3 मई को लगने वाली है, काइंडली गो एंड वॉच इट, एंड फ्रॉम द न्यू कमर डेफिनेटली करण कपाड़िया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, एंड द होल फिल्म इज़ रियली ऑन हिज शोल्डर्स, आई एम देयर अलॉन्ग विद हिम, एंड इट्स जैसे हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी सम थ्रिलर एन एक्शन, वो सब आपको मिलेगा जैसे आपने ट्रेलर देखा है, एंड विश अस लक। देखिए ये फिल्म फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट हम यहाँ रैप अप पार्टी उसके लिए आए हैं। वी ऑल वेरी हैप्पी, एंड इट्स नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू ऑल, एंड बस यही चाहेंगे कि आप डू योर बेस्ट सो दैट एवरीबडी नोज अबाउट ब्लैंक। किसके बारे में? मैं अभी सिर्फ एंटर हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाहर अंदर जाके देखूंगा। आई एम श्योर इट्स गोना बी अ नाइस, इट्स डेफिनेटली अ नाइस प्लेस, सो एंड आई विश इट ऑल द बेस्ट, एंड लेट्स सी हाउ गुड इट गोज। देखिए आप यहाँ वहाँ मत जाइए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। It's been very good, so just meeting up to celebrate success feels
गुड कास्ट सनी सर मैं वर्किंग विद फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ कॉप एंड आई वांट टू डू एक्शन इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई प्लेड बिफोर सो फॉर मी इट वाज एन एब्सोल्यूट यस व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इट्स प्लीजिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स नॉट मी एंड आई थिंक पीपल आर रियली गोना लाइक इट द कॉन्सेप्ट इज वेरी नाइस इट्स अबाउट टेररिज्म इट्स अबाउट अ गाय हुज इन्वॉल्वड बट ही डजंट रिमेंबर एनीथिंग सो द एंटायर ट्विस्ट इज वेदर ही रिमेंबर्स और नॉट सो आई थिंक पीपल आर गोना लाइक इट ढाई साल से जुड़ा हूँ मैं इस प्रोजेक्ट से तो नाउ दैट इज़ फाइनली कम्प्लीटेड और आप सब ने देखा है एंड द रिस्पॉन्स दैट वी ब्रॉट इन टू द ट्रेलर हैज़ बीन अमेजिंग तो आई एम वेरी एक्साइटेड नर्वस थोड़ा हूँ बट मोर एक्साइटेड देन नर्वस फॉर श्योर जब सही साथ हो तो क्या कुछ कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होता है आई वॉज मोर नर्वस एक्चुअली आई हैव सेड दैट देन कॉन्फिडेंट बिकॉज इतने सीजनड और एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर अ लिटिल इंटिमिडेटेड पर जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया मैं और यू नो वंस यू स्टार्ट देन यू सॉर्ट ऑफ गेट यू नो इनटू द मोशन ऑफ थिंग्स तो इजीियर हो जाता है सो डिड सनी जी मेंटोर यू फॉर द फिल्म एनी टिप्स एनी गाइडेंस नो डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट हिम मेंटोरिंग मी बट ही डेफिनेटली गेव मी सम इनक्रेडिबल एडवाइस उन्होंने हमेशा मुझे काम रहने कहा और whenever I used to get like worked up or like nervous about anything he just calmed me down and he told me to just take my time with it so bahut hi useful advice di mujhe and I will remember it for the rest of my career the conversations I had with him I can't discuss everything in detail but yeah Ishita what has been your experience now film is just due for release you're celebrating the successful completion of the film what do you have to say when I got to know about the script and I spoke to Vishal and he told me this is the character I was super excited firstly I've always played roles which are very girl next door so for me ye ek bahut hi alag character tha I got to do action humne khoon paseena bahaya hai I have done both and I did a lot of actions it was fun I really enjoyed working with the entire team especially both the Karans and Sunny sir of course most of my scenes are with Sunny sir I got to learn a lot from him that's why she signed the film ke main sirf Karans ke sath kaam karunga aur jin Karan effect aur Sunny sir ke sath bhi kaam kar rahe bole kyunki aapke bete ka naam Karan hai isliye and literally khoon paseena matlab khoon to bahaya hai paseena to abhi bhi beh raha hai hamara because hum thode se I mean honestly agar aap pucho to ek excitement ke sath jo nervousness abhi ja ke nikalti hai jab shoot kar rahe hote hain वैसे करण ने ये नहीं बताया कि मैंने एडवाइस क्या दिया था इसे यू नो मेरे बारे में तो तूने बताया नहीं इसने मुझे फिजिकल एडवाइस दिया कि जब भी कोई आपको फेक पंच कर रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कि जब हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस था देयर वाज अ लिटिल मिसजजमेंट आई गॉट पंच्ड फॉर रियल तो उसके लिए मैं अभी भी मैं उस दिन मैंने सोचा था कि पैकअप होने वाला है ऑनेस्टली बट ही इज अ ग्रेट स्पॉट और मैंने इसको हमेशा बोला था कि बॉस डोंट डू योर ओन स्टंट्स अगर तुझे लगता है डेंजरस है जो आप ट्रेलर में सीक्वेंस देखते हैं जब सनी सर इसे पंच मारते हैं और जो वो पत्थर पे गिरता है लिटरली फेस डाउन गिरा है सो हैट्स ऑफ टू देम आई थिंक लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्शंस यू हैव डन नॉट ओनली दैट एवरीवन इज डन अमेजिंग एवरीवन इज डन देयर ओन स्टंट्स आई थिंक दैट्स व्हाट्स इनक्रेडिबल इसे तो अपने हाथ काट लिए थे है ना हां बट नॉट ड्यूरिंग एक्शन बट एनीवे नहीं दे जस्ट टोल्ड मी कि गिव इट योर बेस्ट और एडवाइस तो मतलब दे टोल्ड मी दैट इट्स गोइंग टू बी हार्ड और यू नो यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट विद वॉट एवर यू डू बट जब भी उन्होंने फिल्म देखा जो भी कुछ रशेज पूरी फिल्म तो देखी नहीं है आई थिंक दे वर ऑल्सो मोर कॉन्फिडेंट इन वॉट आई हैव डन
सो दे जस्ट टोल्ड मी कि जो कर रहे हो वही करते रहो और काम आते रहेगा, होपफुली टच वुड. ओके अक्षय सर, हैव आल्सो डन एन स्पेशल सॉन्ग इन द मूवी एंड यू हैव आल्सो पोस्टेड इट. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट? नो, बट द सॉन्ग इज गोना बी आउट रियली सून, मतलब ये महीने में आने वाला है गाना. सो आप लोग देख सकते हो, अभी मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता हूँ सॉन्ग के बारे में. नहीं नहीं, आई सेड दिस ऑन द ट्रेलर लॉन्च ऑल्सो. आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि यंग एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में. बहुत सारे स्टोरीज है और स्क्रिप्ट है दैट डिजर्व टू बी मेड एंड वी नीड एक्टर्स टू प्ले दोज पार्ट्स. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. कॉम्पिटिशन इज हेल्दी, इट कीप्स अस गोइंग, इट ड्राइव्स अस टू डू बेटर. सो आई थिंक इट्स ओनली गुड फॉर आवर इंडस्ट्री दैट यू नो वी हैव न्यू एक्टर्स कमिंग थ्रू. We are really happy with it. Thank you for the great hospitality and goes for. It's amazing. I was in fact thinking that maybe after this we can go and sing a little because we'll I join him. I can definitely join in singing. It's really nice. Yeah, I love karaoke. So yeah, thank you for having us here. No, it's my first time here. I really like the place. I'm definitely going to come back with my friends. Hopefully when I don't wear a jacket and I'm not sweating profusely. But yeah, I'm definitely going to come back here soon. Yeah, I just want to say that you should vote only if you're 100% confident. I see a lot of people jo kehte hai ki you know main isko vote dunga usko vote dunga, but you know it's they say it's the lesser of two evils or whatever. But you should be educated in terms of who you're voting for, and you know there's no pressure. I think it's as much a part of democracy to not vote as it is to vote. So if you are voting, be confident about who you're voting for. Yeah. And yeah, that's about all I'd like to say. I think the same what he said, that it's I feel it's very important. It's very easy to sit at home and complain about ki ye nahi hota wo nahi hota, but as citizens it's a responsibility to go and vote. I do that every year, and of course when you're doing that, please research, think about it and make the right choice. On voting, अरे यार वोट करना चाहिए, उठो टाइम निकालो, 10 मिनट लगते हैं, इट्स सुपर ऑर्गेनाइज्ड. और आप लोग अपना डिसीजन करो, गूगल आपके फिंगर टिप्स पे है, आपकी गवर्नमेंट आपके सामने है, आगे 5 साल में क्या होने वाला है आपके सामने है. अगर अच्छा आपको कुछ चाहिए तो बॉस गेट अप एंड स्टार्ट वोटिंग. दैट्स इट. थैंक यू गाइस. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन इट. What is growth it? I mean, it depends who you ask really. So I would really not like to. I am not actually, to be honest, I am not politically inclined one bit. Main bilkul politics follow nahi karta because I don't think that I can sort of add anything to this debate because I'm not educated enough to talk about it. So I am not following politics at all to be able to comment. Thank you guys. Thank you.
success bash hai abhi to wrap up party hai still success to once the film is out hame pata chalega for now we're just celebrating kyunki jo bhi response aaya hai trailer ke liye it's been very good so we're just meeting up to celebrate success we'll see later touch wood जब रिलीज होने पे आया है जो ट्रेलर का रिस्पांस मिला है उसके लिए हमें बहुत बहुत ऑडियंस का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सच बोलना नो इट फील्स ग्रेट मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी कहा था कि 2.5 साल से जुड़ा हूँ मैं इस प्रोजेक्ट से तो नाउ दैट इज़ फाइनली कम्प्लीटेड और आप सब ने देखा है एंड द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट इन टू द ट्रेलर हैज़ बिन अमेजिंग तो आई एम वेरी एक्साइटेड नर्वस थोड़ा हूँ बट मोर एक्साइटेड देन नर्वस फॉर श्योर आई वॉज मोर नर्वस एक्चुअली आई हैव सेड दैट देन कॉन्फिडेंट बिकॉज इतने सीजनड और एक्सपीरियंसड एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर अ लिटिल इंटिमिडेटेड पर जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गया मैं और यू नो वंस यू स्टार्ट देन यू सॉर्ट ऑफ गेट यू नो इनटू द मोशन ऑफ थिंग्स तो इजीियर हो जाता है सो डिड सनी जी मेंटोर यू फॉर द फिल्म एनी टिप्स एनी गाइडेंस नो डेफिनेटली आई डोंट नो अबाउट हिम मेंटोरिंग मी बट ही डेफिनेटली गेव मी सम इनक्रेडिबल एडवाइस उन्होंने हमेशा मुझे काम रहने कहा और whenever I used to get like worked up or like nervous about anything he just calmed me down and he told me to just take my time with it so bahut hi useful advice di mujhe and I will remember it for the rest of my career the conversations I had with him I can't discuss everything in detail but yeah Ishita, what has been your experience now film is just due for release you're celebrating the successful completion of the film what do you have to say when I got to know about the script and I spoke to Vishal and he told me this is the character I was super excited firstly I've always played roles which are very a girl next door so for me ye ek bahut hi alag character tha I got to do action humne khoon paseena bahaya hai I have done both and I did a lot of action it was fun I really enjoyed working with the entire team especially both the Karuns and Sunny sir of course most of my scenes are with Sunny sir I got to learn a lot from him that's why she signed the film ke main sirf Karuns ke sath kaam karunga aur Karan effect aur Sunny sir ke sath bhi kaam karne bole kyunki aapke bete ka naam Karan hai isliye and literally khoon paseena matlab khoon to bahaya hai paseena to abhi bhi beh raha hai hamara because hum thode se I mean honestly agar aap pucho to ek excitement ke sath jo nervousness abhi ja ke nikalti hai jab shoot kar rahe hote hain वैसे करण ने ये नहीं बताया कि मैंने एडवाइस क्या दिया था इसे यू नो मेरे बारे में तो तूने बताया नहीं मुझे फिजिकल एडवाइस दिया कि जब भी कोई आपको फेक पंच कर रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए क्योंकि जब हमारा पहला एक्शन सीक्वेंस था देयर वाज अ लिटिल मिसजजमेंट आई गॉट पंच्ड फॉर रियल तो उसके लिए मैं अभी भी मैं उस दिन मैंने सोचा था कि पैकअप होने वाला है ऑनेस्टली बट ही इज अ ग्रेट स्पॉट और मैंने इसको हमेशा बोला था कि बॉस डोंट डू योर ओन स्टंट्स अगर तुझे लगता है डेंजरस है जो आप ट्रेलर में सीक्वेंस देखते हैं जब सनी सर इसे पंच मारते हैं और जो वो पत्थर पे गिरता है लिटरली फेस डाउन गिरा है तो हैट्स ऑफ टू हिम आई थिंक अ लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्शंस यू नॉट ओनली दैट एवरीवन हैज डन अमेजिंग एवरीवन हैज डन देयर ओन स्टंट्स आई थिंक दैट्स व्हाट्स इनक्रेडिबल इसे तो अपने हाथ काट लिए थे ना हां
but not during action, but anyway. नहीं, they just told me कि give it your best और advice तो मतलब they told me that it's going to be hard और you know you have to be sort of confident with whatever you do but जब भी उन्होंने फिल्म देखा जो भी कुछ rushes पूरी फिल्म तो देखी नहीं है I think they were also more confident in what I've done so they just told me कि जो कर रहे हो वही करते रहो और काम आते रहेगा hopefully touch wood Okay, actually, sir, I have also done a special song in the yeah. movie and you have also posted it. Would you like to say something about it? No, but the song is going to be out really soon. मतलब ये महीने में आने वाला है गाना. So आप लोग देख सकते हो कि मैं कुछ खराब नहीं करना चाहता हूँ song के बारे में. काफी काफी actors हैं जो debut कर रहे हैं Bollywood में. अगर देखा जाए तो 18 to 19. तो कुछ pressure भी आता है कि आप intake से complete करना है या लोग check कर नहीं नहीं आई सेड दिस ऑन द ट्रेलर लॉन्च ऑल्सो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि यंग एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टोरीज है और स्क्रिप्ट है दैट डिजर्व टू बी मेड एंड वी नीड एक्टर्स टू प्ले दोज पार्ट्स सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कॉम्पिटिशन इज हेल्दी इट कीप्स अस गोइंग इट ड्राइव्स अस टू डू बेटर सो आई थिंक इट्स ओनली गुड फॉर आर इंडस्ट्री दैट यू नो वी हैव न्यू एक्टर्स कमिंग थ्रू We're really happy with it. Thank you for the great hospitality and goes for It's amazing. I was in fact thinking that maybe after this we can go and sing a little because we'll I think him. I can definitely join in singing. It's really nice. Yeah, I love karaoke. So yeah, thank you for having us. No, it's my first time here. I really like the place. I'm definitely going to come back with my friends. Hopefully when I don't wear a jacket and I'm not sweating profusely. But yeah, I'm definitely going to come back here soon. Yeah, I just want to say that you should vote only if you're 100% confident. I see a lot of people जो कहते हैं कि you know मैं इसको वोट दूंगा उसको वोट दूंगा but you know it's they say it's the lesser of two evils or whatever. But you should be educated in terms of who you're voting for and you know there's no pressure. I think it's as much a part of democracy to not vote as it is to vote. So if you are voting, be confident about who you're voting for, and that's about all I think the same what he said that it's I feel it's very important it's very easy to sit at home and complain about ki ye nahi hota wo nahi hota but as citizens it's a responsibility to go and vote I do that every year and of course when you're doing that please research think about it and make the right choice on voting अरे यार वोट करना चाहिए उठो टाइम निकालो 10 मिनट लगते हैं इट्स सुपर ऑर्गेनाइज्ड और आप लोग अपना डिसीजन करो गूगल आपके फिंगर टिप्स पे है आपकी गवर्नमेंट आपके सामने है आगे 5 साल में क्या होने वाला है आपके सामने है अगर अच्छा आपको कुछ चाहिए तो बॉस गेट अप एंड वोट अप दैट्स इट What is growth ho raha hai ki aapko lag raha hai desh mein it depends who you ask really so I would Because really not like to Akshay sir also support Modi ji hai I am not actually to be honest I am not politically inclined one bit main bilkul politics follow nahi karta because I don't think that I can sort of add anything to this debate because I'm not educated enough to talk about it so I am not following politics at all to be able to comment thank you guys thank you thank you